हैं। टीजीटी बैच वाइज भर्ती के बाद अब कमीशन का भी इंतजार होने लगा है कि आखिरकार कमीशन वाइज भर्ती कब तक हो पाएगी। ये दरअसल 2020 की बात है, तब से लेकर इंतजार हो रहा है कमीशन की भर्ती का। लेकिन बड़ा कारण ये था कि पहले कुछ एक मामले कोर्ट में फंसे हुए थे, लेकिन अब भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में बदलाव कर दिया गया है। ये दरअसल पहले 2009 में भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाए गए थे, इसमें हर कैडर के लिए अलग आरएनपी रूल्स तैयार कर दिए गए थे, जिस वजह से मामले कोर्ट में लटके हुए थे। 15 साल बाद अब संशोधन हो चुका है और एनसीटीई के नॉर्म्स को भी इसमें बिल्कुल फुलफिल किया जाएगा, उसके बाद ही अब ये आरएनपी रूल्स एक तरह से फाइनल हो पाए हैं। लेकिन भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। कारण ये है कि भले ही इससे पहले पिछली सरकार ने तकरीबन 90 के करीब पदों को भरने की अनुमति दे दी थी, लेकिन वर्तमान सरकार से अभी दोबारा से इस पर मंजूरी लेनी होगी और प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से ये प्रस्ताव भेजा गया है सरकार के पास मंजूरी लेने के लिए। जैसे ही अप्रूवल मिलेगा तो टीजीटी कमीशन वाइज भर्तियां भी शुरू हो पाएंगी। 14,224 के करीब पद अभी खाली चल रहे हैं और 15 साल बाद, जैसा कि हम कह रहे हैं कि आरएनपी रूल्स में संशोधन किया गया है, अब एक समान आरएनपी रूल्स इनके लिए तैयार हुए हैं ताकि कोर्ट में ज्यादा झगड़े अब इस बात को लेकर ना बढ़ सके। देखिए, बेरोजगार युवाओं की ओर से एक मेल भेजी गई है जिसमें इन्होंने एक सजेशन देना चाहा है। इनका कहना है कि 2020 में इन्होंने कुछ एक आवेदन किए थे भर्तियों के लिए, उस वक्त कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आवेदन मांगे गए थे और इसमें जेबीटी क्लर्क, एसआई, जेओएआईटी आदि शामिल है, लेकिन ये भर्ती परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है। और जब ये भर्ती परीक्षा करवाने की बात सरकार के समक्ष करते हैं तो सरकार हवाला देती है कि राज्य चयन आयोग को जिम्मा दे दिया गया है, जो कि नए सिरे से यहाँ पर राज्य चयन आयोग का गठन हुआ है। राज्य चयन आयोग का कहना है कि अभी एजेंसी ही नहीं है भर्ती करवाने के लिए, अभी तक एजेंसी को हायर नहीं किया गया है। तो अब अभ्यर्थियों ने सुझाव ये दिया है कि उन्होंने आवेदन पहले कर दिए थे, इसलिए जरूरी है भर्ती परीक्षाएं करवा दी जाए, भले ही ओएमआर फॉर्मेट से इन भर्तियों को करवाया जाए। जरूरी नहीं है कि सीबीटी प्रणाली ही लागू करनी है। सीबीटी प्रणाली लागू करने के लिए सरकार के पास अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। और इन्होंने उदाहरण के तौर पर बात यह कही है कि मान लीजिए पटवारी की भर्ती करवानी होगी तो 4 से 5 लाख के भी उसके लिए आवेदन आते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण 7 महीने का समय भी इसमें लग जाएगा। इसलिए जरूरी है पुराने फॉर्मेट के हिसाब से ही भर्ती परीक्षा करवाई जाए, और अगर सीबीटी प्रणाली लागू करनी भी है जल्द से जल्द तो उसके लिए टेंडर प्रक्रिया तो कम से कम होनी चाहिए। हालांकि टेंडर प्रक्रिया करवाई गई थी और ये हम आपको बता दें कि 2 कंपनियों ने इसमें अपनी प्रेजेंस भी शो की थी, 2 कंपनियों की ओर से इसमें आवेदन किया गया था, लेकिन नियमों के तहत बात नहीं बनी। उसके बाद चर्चा ये भी थी कि जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एजेंसी है उसे ही जिम्मा दे दिया जाए आगे भी भर्ती परीक्षा करवाने का। दरअसल ये जो टाटा कंसल्टेंसी एजेंसी है, क्योंकि भारत सरकार की एजेंसी है और इसने ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा करवाई थी ऑनलाइन मोड पर, एक तरह से नए प्रयोग के तौर पर ये भर्ती परीक्षा ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की करवाई गई थी, लेकिन अभी तक इसका भी रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया है। तो इनका ये कहना है कि सीबीटी प्रणाली सिस्टम से भी यहाँ रिजल्ट जल्दी घोषित नहीं हो पा रहा है, तो पुराना फॉर्मेट ही लागू कर दिया जाए। लोक सेवा आयोग भी तो भर्ती परीक्षाएं करवाता है, वहां तो अभी तक धांधली नहीं हो पाई, तो यहां भी नियमों को फॉलो करते हुए पूरी सावधानी बरती जा सकती है। लेकिन अभ्यर्थी अब और ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। मेल के जरिए इन्होंने सुझाव दिया है कि सीबीटी प्रणाली को अभी फिलहाल साइड में रख के ये ओएमआर सिस्टम ही लागू कर दिया जाए, क्योंकि इनकी उम्र बीत रही है, ऐसे में कई तरह की परेशानियों से भी इन्हें मुखातिब होना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अभी सरकार के पास कि ये सीबीटी मोड पर यहां पर परीक्षा करवाई जाए, और उससे पहले भर्ती एजेंसी हायर नहीं हो पाई है, और पहले जिस भर्ती एजेंसी को जिम्मा दिया भी गया प्रयोग के आधार पर, उसमें भी रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया है। उसमें कंपनी की ओर से कुछ और तर्क दिया जा रहा है, सरकार की ओर से कुछ और तर्क दिया जा रहा है रिजल्ट ना घोषित करने पर। तो ये बहुत सारे पहलू हैं, अभ्यर्थी परेशान है, लेकिन अब इन्होंने भी अपना सजेशन देना शुरू कर दिया है। पेपर लीक मामले में नई एफआईआर दर्ज हुई है। ये पोस्ट कोड 822 है, 40 के करीब इसमें पद भरे जाने थे। 19,416 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के कॉल लेटर इसमें जारी किए गए थे। 2 गिरफ्तारियां इसमें हुई हैं। विजिलेंस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत में भी पेश किया है। अदालत ने 20 अगस्त तक पुलिस रिमांड के लिए इन दोनों आरोपियों को भेज दिया है। ये दोनों आरोपी, देखिए, एक इसमें
हमीरपुर से है तो दूसरा ऊना से है, एक ढाबा संचालक सोहन लाल है तो दूसरा आरोपी भोरज निवासी अमित रावत बताया जा रहा है। फिलहाल इन्हें रिमांड में ले लिया है। ये जो इसमें ढाबा संचालक है ये पहले भी कुछ एक पोस्ट कोड में सामने आया है धांधली करने के लिए, और अब एक तरह से पोस्ट कोड 822 में भी ये पुष्टि हो गई है कि इसमें भी परीक्षा यानी कि पेपर एक तरह से लीक हुआ था। अब ये पुष्टि होने के बाद फिर से यहाँ जांच बिठाई गई है और विजिलेंस ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि देखिए अभ्यर्थी काफी ज्यादा थे, 19,416 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के बाद इसमें कॉल लेटर जारी किए गए थे।